हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज असि करन जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, फैशन अमंग स्टूडेंट्स। सो एक अजिहा टॉपिक जो साड़ी लाइफ से ना जुड़िया होया ते दूसरे पासे साड़ी स्टडी दे नाल भी जुड़िया होया है ते पेपर विच आन दे चांसेस भी बहुत है। सो ये पर डिटेल्ड स्टडी करांगे ते मैं ए भी ध्यान रखांगा कि जेडे सुपर एडवांस्ड स्टूडेंट्स है उन्हां नूं भी पढ़ के स्वाद आवे, ए उन्हां लई चैलेंजिंग होवे कि हां असीं अज इन्नी नवी नवी इंग्लिश सीखी, इन्ने नवे नवे वर्ड सीखे। ते नाल ही ध्यान रखांगे एवरेज स्टूडेंट्स लई कि उन्हां लई भी इस वीडियो विच कुछ ना कुछ उन्हां नूं जरूर मिले। सो पहलां असीं चैलेंजिंग काम कर लैणे ताकि बाद वाला काम सानूं सौखा लगे। सो मेरा पहला पार्ट होएगा जिहदे विच असीं थोड़ा जिहा औखा पैराग्राफ करांगे फैशन अमंग स्टूडेंट्स। द सेम पैराग्राफ असीं बहुत ही सिंपल वर्डिंग विच करांगे पर इस तों बाद। तो आओ शुरू करदे हां फैशन अमंग स्टूडेंट्स पैराग्राफ फॉर एडवांस स्टूडेंट्स। स्टार्ट राइजिंग इन डिफरेंसेस। राइजिंग यानी वधदे हुए, इन डिफरेंसेस यानी फर्क के वधदे हुए फर्क। ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस इरा, इरा कहिंदे ने युग नूं, के इस युग दे स्टूडेंट्स दे अंदर वधदे हुए फर्क। अच्छा जी, किहदे नाल वधदे हुए फर्क ने? टुवर्ड्स देयर एल्डर्स, अपने तो वड्डियां दे नाल, के जिहड़े बच्चियां दा अपने मम्मी डैडी प्रति जां अपने तो पहली जनरेशन प्रति पाड़ा वधदा जा रहा है। आर ऑफन व्यूड एज, ओ वाले फर्क हमेशा देखे जांदे हन। बीइंग कॉज्ड बाय, के जिन्हां दा कारण है, की कारण है? एन इनएप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फैशन अमंग देम, के जिहड़ा बच्चियां दे विच इक अटुकवां फैशन दा दौर चल रहा है, ओहदे करके दोनों जनरेशन दा जिहड़ा आपसी पाड़ा है ओह वधदा जा रहा है। एक बार दोबारा फिर तो देख लैणा ताकि तुहानूं चंगी तरहां गल समझ आ जावे। राइजिंग इन डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस इरा टूवर्ड्स देयर एल्डर्स, इस युग दे विद्यार्थियों दा अपने वड्डियां प्रति वधदा होया पाड़ा, वधदा होया फर्क। आर ऑफन व्यूड एज, जिहड़ा विचकार उन्हां दे पाड़ा वध रहा है उन्हां नूं लोकी किस तरह देखदे ने? इस तरह कि एज बीइंग कॉज्ड बाय, कि एदां लगदा है कि इसका कारण होवे। केड़ा कारण? एन इनएप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग, इनएप्रोप्रिएट हुंदा अटुकवां, प्रिवेलिंग जिहड़ा फैल रहा होवे, ट्रेंड यानी दौर ऑफ फैशन, जिहड़ा अटुकवां एक फैशन दा दौर बच्चियां दे विच फैल रहा है, ओही एक कारण लगदा है कि वड्डियां अते छोटियां दे विच जिहड़ा फर्क आ रहा है। तो मैनूं लगदा है डिटेल समझाउण लई मैनूं थोड़ा थोड़ा टाइम लाना पिया करेगा, पर तुहानूं अच्छी तरह तां समझ आएगी जे तुसीं इहनूं ध्यान नाल सुनोगे। तो मैं कोशिश करांगा कि बहुत स्लो स्लो जिहड़ा अगे अगे जावां। सो साडी हुण अजे एक लाइन कंप्लीट होगी, तो इहनूं वी तुसीं बार बार पढ़ोगे, ठीक है, इहनूं याद कर लोगे, तो तुसीं देखोगे कि किन्नियां सारियां सिचुएशंस दे विच तुसीं इहनूं अडोप्ट कर सकदे हो। डिस्पैरिटी ऑफ टाइम विटनेसेस, हुण डिस्पैरिटी हुंदा असमानता, उतरा चढ़ा, ते विटनेसेस गवाही भरदा है कि समय दा उतरा चढ़ा भाव चंगा माड़ा समा गवाही भरदा है। किस गल दी? द प्रोसेस ऑफ एवर चेंजिंग यूनिवर्स, कि ओह गवाही भरदा है कि इह जिहड़ा यूनिवर्स है, इह जिहड़ी दुनिया है, हमेशा बदलदी रहिंदी है, कुछ ना कुछ इहदे च नवां आंदा रहिंदा है। इह बदलाव लोकां दे खाण पान नूं लै के हो सकदे हन, फैशन नूं लै के हो सकदे हन। सो तरह तरह दे बदलाव आंदे रहिंदे हन दुनिया दे विच, ते समय समय ते अलग अलग तरह दे फैशन प्रेवलेंट हुंदे रहिंदे हन। इट इज सैड, कि इह कहा जांदा है, भाव लोकी कहिंदे हन, दैट इट इज एन आउटकम, आउटकम हुंदा रिजल्ट, कि जिहड़ा फैशन आया है इह रिजल्ट किस चीज दा है? आउटकम ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइज, कि इह जिहड़ा रिजल्ट है किस चीज दा है? कि असीं अखां बंद करके पछम वालियां दी नकल करदे रहिंदे हां, अंग्रेजां दी नकल करदे रहिंदे हां, इह उत्थों आया। दूजा किस चीज दा नतीजा है? मॉडर्न एज, कि हुण आधुनिक समाज बन गया होया है, आधुनिक युग चलदा पिया, इस करके सारे फैशन दे वल जल्दी झुक जांदे हन। बट इन फैक्ट इट प्रीडेट्स, प्रीडेट्स हुंदा है किसी चीज तों पहलां कोई चीज मौजूद होनी। बट इन फैक्ट इट प्रीडेट्स द करंट इरा, पर जिहड़ा इह फैशन है इह हुण दे करंट यानी मौजूदा, इह हुण दे युग तों वी पहलां दा चलदा आ रहा है। एंड नॉट सोली एन ऑक्सीडेंटल वन, ऑक्सीडेंट हुंदा पछम, ऑक्सीडेंटल यानी पछम दे नाल संबंधित पछम वासी, कि इह फैशन इकल्ले पछम दी ही देन नहीं है, इह पहलां वी मौजूद सी। सो ऑक्सीडेंट हुंदा पछम, ते ओरिएंट इह हुंदा पूरब। टिंसल वर्ल्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एंड सिंगर्स, सो टिंसल वर्ल्ड की हुंदा एक काल्पनिक दुनिया, एक चकाचौंध वाली दुनिया, कि जो फिल्म इंडस्ट्री अते सिंगर्स एक काल्पनिक दुनिया लोकां नूं दिखांदे हन। ऑलवेज फैसिनेट द यंगस्टर्स,
कि ओ वाली दुनिया हमेशा यंगस्टर नु मोहित करती है, अपने वाल खिंचती है। फैसिनेट क्यों होता है? मोहित करना। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इज नॉट जस्ट कन्फाइंड। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होता है व्यक्तित्व नु तैयार करना, अपनी पर्सनैलिटी नु तैयार करना, कि जे कोई अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहता है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इज नॉट जस्ट कन्फाइंड। कन्फाइंड होता है सीमित होना, कि पर्सनैलिटी सिर्फ इस गल तक ही सीमित नहीं है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एनी आउटर अपीयरेंस, के सिर्फ ते सिर्फ बाहरी दिख तक ही कन्फाइंड नहीं है, सीमित नहीं है, कि सिर्फ यही नहीं कि तुसीं बाहरी तौर ते चंगे कपड़े पा ले ते तुहाडी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। उस तो अगे है कि फैशन इज सुपरफिशियली। सुपरफिशियली होंदा नॉट थॉरली और डीपली, कि जेड़ी चीज ज्यादा चंगी तरह, ज्यादा डूंगी तरह ते पूरी तरह किसे नाल ना होवे। सो इत्थे भी ओही गल कीती जा रही है कि फैशन इज सुपरफिशियली रिलेटेड टू वंस पर्सनैलिटी, कि इकल्ला फैशन ही किसे पर्सनैलिटी दा ऑल इन ऑल हिस्सा नहीं है, होर भी ओदे पहलू हन। अपार्ट फ्रॉम दिस इट डीविएट्स द अटेंशन, के है विचलित करता है साड़ी अटेंशन नू, साड़ा ध्यान हटांदा है। डीविएट होंदा विचलित करना, एक जगह तो दूजी जगह मोड़ना। सो ये साड़ी अटेंशन नू एक जगह तो दूजी जगह मोड़दा है। एक किन्हां दी अटेंशन हटांदा है? ऑफ द प्यूपल्स। प्यूपल्स होंदे ने विद्यार्थी। सो इत्थे तुसी पूरी कोशिश करनी है अपना लैक्सीकल रिसोर्स दिखाने दी। लैक्सीकल रिसोर्स होंदा शब्द भंडार संबंधी स्रोत, के तुहाडे कोल शब्दां दा भंडार है, लैक्सीकल रिसोर्स। ऑफ द प्यूपल्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव फ्यूचर, के इस तो इलावा फैशन विद्यार्थियों दा उन्ना दे उन्नत भविख तो भी ध्यान विचलित करता है, भाव अपने भविख बारे सोचने तो इलावा अपनी दिख वाल ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। ऑन द फ्लिप साइड होंगे दूजी साइड, ठीक है, उल्टी साइड, के जे मैं दूजे पहलू बारे भी गल करा, इट इज इंपैरेटिव टू हैव फैशन सेंस, कि किदा दा पाना है, किदा दा खाना है, क्योंकि फैशन की डेफिनेशन सिर्फ ते सिर्फ पान दे नाल रिलेटेड नहीं हैगी, कि तुसीं किहो जिहा खांदे हो, अजकल केड़ियां चीजां दा फैशन है खाण विच, ओके, पहनने च केड़ियां चीजां दा फैशन है, कोई तुसीं बाइक लैनी है की ट्रेंड चल रहा, कोई मोबाइल लेना उहदे च की ट्रेंड चल रहा, ठीक है, वो सारा की है फैशन दा हिस्सा है। ऑन द फ्लिप साइड इट इज इंपैरेटिव। इंपैरेटिव होंदा जरूरी, कि जे मैं दूजे पासे गल करां ते ये जरूरी है टू हैव, कि साडे कोल होवे फैशन सेंस, फैशन दी समझ। बट इट शुड नॉट पेव द वे टू रगडनेस। रगडनेस होंदा असभ्यता, लच्चरता, कि फैशन एहो जिहा ना होवे कि सानू लच्चरता वाले पासे लै जावे। नेक्स्ट, कॉन्शियंशियसली, ईमानदारी नाल, ऑनेस्टली, ओके, कॉन्शियंशियसली, स्पेलिंग भी सौखे ने, सी ओ एन कॉन, अगे साइंस पाने की कोशिश करनी है, SCIEN, ठीक है, साइंस लिए अगे CE पा देना, इतों चेंज कर देना, शस, TIOUS, उस तो बाद ली, LY, सो कौन, शी, एं, शियस, ली, ठीक है, कॉन्शियंशियसली। सो कॉन्शियंशियसली, कि जे मैं ईमानदारी नाल बोला, टू बी हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी होंदा चुस्त, दुरुस्त, ताकतवर, इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन हैविंग एन इंप्रेसिव लुक। कि जे मैं ईमानदारी नाल बोला ता इंप्रेसिव लुक होने नालों कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेहतमंद होना। परहैप्स दिस मैनेस, मैनेस होंदा संकट या बुरी प्रथा जिस तो सानू डर होवे, ठीक है, कि शायद यह जिहड़ा संकट है इज टेकिंग ग्राउंड। टेकिंग ग्राउंड होंदा वध रहा है, भी होर जमीन लै रहा है, मतलब कि शायद यह जिहड़ा संकट है अपना पसारा वधा रहा है। क्यों? ड्यू टू पेरेंट्स एग्जोबिटेंट कोरोबोरेशन। हुण पेरेंट्स उपर अपोस्ट्रोफियस पाया होया, कि माता पिता दा, एग्जोबिटेंट होंदा बहुत ज्यादा, अत्यंत, ते कोरोबोरेशन की होंदा उन्हां दी हर गल मन लैनी। फॉर द अनयूजुअल डिमांड्स ऑफ चिल्ड्रन। अनयूजुअल की होंदा? फालतू डिमांड्स, यानी मंगा, कि जिहड़ा इह संकट अपने पैर पसार रहा है, वध रहा है, उहदा एक मेजर कारण यह भी है कि पेरेंट्स दा अपने बच्चियां दियां बहुत सारियां गैर जरूरी मंगां नूं मनन करी जाना, मनी जाना, यह भी एक कारण है। सो ये सी पैराग्राफ, तुसी इदां भी लिख सकते हो, पर जिद्दां कि मैं पहला कहा कि ये सारी वर्डिंग बड़ी चैलेंजिंग होंदी है, सो ये ओही बच्चे करन जिहड़े चैलेंज एक्सेप्ट कर सकदे ने, ते जिहड़े नवी नवी इंग्लिश सीखना चाहते ने। ते बाकी स्टूडेंट्स लई आओ एक है बहुत ही सौखा, ईजी टू लर्न पैराग्राफ करते हैं, फैशन अमंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेरी फोंड ऑफ फैशंस, के विद्यार्थी हमेशा तो ही बड़े शौकीन होंदे हन फैशन करन दे। They just
जस्ट इमिटेट और कॉपी द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, और सिर्फ से सिर्फ फिल्मी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दी नकल करना ही जानते हैं। इन फैक्ट सम ऑफ देम वॉच द मूवीज ओनली फॉर दिस रीजन। असल विच कई ता मूवीज सिर्फ देखते ही इस करके हैं कि असि देख सकिए कि उन्होंने केड़े केड़े फैशन किते हैं ते की ट्रेंड चल रहा है। देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग देम फॉर दिस, ते बच्चियां दे विच इस चीज नूं लैके एक कॉम्पिटिशन चलता रहिंदा है। द हेल्थ क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स एंड ट्रेंडी बुटीक्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स, कि हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर्स अते जिहड़ियां बुटीक्स हन उन्हां दी गिनती वध रही है। ऑर्डर्स ऑफ एनर्जी, ऊडल होंदा बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी तुहाडी ऊर्जा, कि बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा ऊर्जा। एंड मनी, अते पैसा, आर कंज्यूम्ड, कंज्यूम हो रहा, खपत हो रहा इन दिस फील्ड, इस फील्ड दे विच। देयर इज नथिंग रोंग इन लुकिंग स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, कोई गलत गल नहीं है सोने दिसण विच। बट टू किल ऑल द टाइम एंड एनर्जी इन फैशन ओनली, पर अपना सारा समा ते ऊर्जा सिर्फ ते सिर्फ फैशन च गवा देना इज नॉट अ गुड थिंग, ए चंगी गल नहीं है। द मोरल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट शुड ऑल्सो बी वेल टेकन केयर ऑफ, के स्टूडेंट्स नू अपनी नैतिक, दिमागी अते आत्मिक उन्नति वल भी ओना ही ध्यान देना चाहिदा है। सो इत्थे साडा पैराग्राफ खत्म हुंदा है। उम्मीद है तुहानू दोनों पैराग्राफ जरूर पसंद आए होणगे। सो मिलदे हां अगली वीडियो विच। थैंक यू वेरी मच।